I'm from Murbi, and Upa-Adhikshya, Upa-Adhikshya, Brother Mahesh-Dada Madre, who is here, and the Sampurna team is here, and the Nevin-Nevin Samalochakan is working, and the Samalochakan is here, 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 and the Amit Madre, धन्यवाद अभिनव दादा, उनका आवाज आपने सुना पहली इनिंग के लिए, बहुत ही सुमधुर मराठी का आवाज सुना। पहली इनिंग जब समाप्त हो चुकी है तो 67 रनों का टारगेट रखा है और ओपनिंग जोड़ी पहुंची है सागर और जितेंद्र सेंडे। पहली गेम इस बार जो प्रारंभिक गेंदबाज है अमोल चौहान, बिल्कुल इस बीच सागर इरमाली मंगम सिरगावी आइकॉन खिलाड़ी इस टीम के अंदर। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट और मोरेश शॉट इस बार देखा जाए, स्टार कट कर दिया और गेम बिजली की गति से बन रन पार चौवा। और एक टाइलैंड टीम का जो खाता है वो ओपन हो चुका है 4 रन। काफी जबरदस्त आयोजन नियोजन बालक मंदिर प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन। एक बार फिर से शायद गली के जो फील्डर है गेंद को उठाने की कोशिश कर रहे, जब तक के लिए सिंगल मिली और इस सिंगल के साथ देखा जाए स्कोर जाता है 5 के घर में। यस, तो टॉस के लिए हीट एंड वीर टाइगर्स बनाम एसकेएम वॉरियर्स, दोनों कप्तान को सूचना है कि आप टॉस करने के लिए तुरंत हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए, आपको हार्दिक स्वागत है। ये देखिए स्लो पर गेंद कट हो गई गेंद और इसी के साथ देखा जाए गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी। इस बार नॉन स्ट्राइकर एंड पे जितेंद्र सेंडे, और एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर जाकर शपल होकर खेलने का प्रयास किया है। काफी इस बार देखा जाए सुंदर गेंद फेंकी है और गेंद बल्ले का कोई संपर्क हो नहीं चुका। यस, हीट एंड वीर टाइगर्स बनाम एसकेएम वॉरियर्स, हम केतन शाह और रवि मरुडे दोनों कप्तान, रवि मस्मी साहब दोनों कप्तान को विनती करते हैं कि आप टॉस करने के लिए आइए। अब सॉरी, तो ये हमारे टीम के मालिक है वो भी आई है मंच के ऊपर और हवा में इस बार देखा जाए कमर के ऊपर से खेला हुआ शॉट वन बाउंस के साथ तो सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए गेंद बाउंड्री पार टोटम टो। इस मैच जो हम पार हमारे हैं कल्याणी घोरपड़े साहब मनपम ठाणे, सीसी सदम सदम साहब मनपम ठाणे और सूर्यकांत अड़ाव साहब भाई कला, ये तीनों अंपायर साहब इस मैच के मध्यस्थी हैं। लेकिन उसी दिन मुझे लग रहा है हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के ग्रुप के ऊपर कल्याणी घोरपड़े साहब जी इन्होंने शायद तला के मैदान के ऊपर जो सेंचुरी बनाई थी उस सेंचुरी की याद मुझे लग रहा है हमारे तला के लक्ष्मण लासे जी ने दी थी कि वो बैटिंग देखने के लिए शायद तमाम तला गांव के लोग उपस्थित थे, गवाह थे। जब वो मैदान का फोटो आया तो नाम उस सेंचुरी का नाम आया और वो खुद कल्याणी घोरपड़े साहब उस मैच के बल्लेबाज थे। टॉस जीता इस बार देखा जाए शायद एसकेएम वॉरियर्स टीम ने और इस बार देखा जाए शॉट पॉइंट लेग से डीप पॉइंट लेग के ऊपर गेंद आ चुकी है और सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए चौवा।
और स्कोर जाता है 13 के घर में। सागर इरमाली ये बल्लेबाज का शायद अब जलवा चालू हो चुका है। इस बार देखिए हल्के हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया था लेकिन फील्डर ने आकर गेंद को कलेक्ट किया, जब तक पुश किया सिंगल मिली और सिंगल के साथ एक बार फिर से इक्का 11 टीम का स्कोर जाता है 14 के घर में। और एक बार फिर से थोड़ी सी इस बार शायद बहुत अच्छी गेंद फेंकी थी लेकिन बल्लेबाज ने शायद बड़ा हीट खेलना चाहिए था, वो प्रयास नहीं किया लेकिन इस बार देखा जाए गेंद और बल्ले का या कोई मिलन नहीं हो चुका है और कहते हैं कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। स्कोर 14 इस बार देखा जाए तो शायद सागर इरमाली बल्लेबाज व्यक्तिगत 10 रन पे खेल रहे, दो बाउंड्री दो सिंगल के सहायता से 67 रनों का टारगेट रखा है। और देखिए स्लो वर्क गेंद फेंकने के बाद स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई है, ये वेरिएशन है और वेरिएशन में गेंदबाज की ताकत है सुंदर। इस बार देखा दूसरे गेंदबाज शायद बदलापुर गांव के ये आइकॉन खिलाड़ी है, इस बार देखा जाए शायद बेहतरीन इस बार स्पिनिंग चल रही है उनकी और ये उड़ाया ये कई गेंद बार देखी है गगन दमामा छक्का गेंद अंतरिक्ष में। और जितेंद्र सेन ने उनके बल्ले से निकला हुआ ये मिड विकेट के कंट्री में गेंद सीधी चली गई 6 रन के लिए और इस 6 रन के साथ स्कोर जाता है 20 के घर में। और एक बार फिर से देखिए मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास जरूर किया है, गेंद को पकड़ लिया भगवान जी ने और बढ़िया थ्रो आया बढ़िया सेट रक्षण हुआ और इसी के साथ लगभग देखा जाए तो शायद इस 1 रन के साथ स्कोर जाता है 21 के घर में। इस बार शायद जितेंद्र सेन खेल रहे व्यक्तिगत 11 रन पे और शायद सागर इरमाली खेल रहे 10 रन पे, कुल मिला के देखा जाए स्कोर 21 बगैर नुकसान पे। और जाते एक बार फिर से हम डीजे मास्टर के पास तो डीजे मास्टर हमारे शायद बार देखा जाए राह देख रहे एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए। वांगनी शहर का यह अभिमान है क्योंकि पालक मंत्री प्रीमियर लीग वांगनी का 2020 में किया हुआ आयोजन काफी जानदार काफी शानदार वजनदार और 24 कैरेट का यह असली प्रीमियर लीग का महाकुंभ मेला है। 18 गेंदों में जीतने के लिए 46 रन 46 रन की जरूरत है। जितने सेंड इस बार स्ट्राइक के पर और काफी अच्छी गेंद इस बार फुल करने जरूर गए थे लेकिन इस बार देखा जाए ये जो गेंद थी इस बार गेंदबाज शायद आ चुके अमोल चौहान जिनकी शानदार गेंद साबित हो चुकी है, सही गेंद थी और अभी तक 17 गेंद शेष, टीम को जीतने के लिए 46 रन चाहिए। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, एक खिलाड़ी इस बार देखा जाए शायद डीप कवर के ऊपर रखा दिया है और एक लॉन्ग ऑन एक डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर है और ये गेंद बाहर जाएगी लग रहा है मुझे, क्या कैच होगी और ये देखिए क्या हुआ, ये गेंद हाथ से उड़ गई और सीधी चली गई 6 रन के लिए, इशारा आया अराव साहब जी का।
इसीलिए रायगढ़ किला दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं कि ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है तो रायगढ़ किला एक शेर की कहानी है। जाइए सिक्सर है क्या, आप चेक कीजिए। सोनू जी दर्शकों ने तो यस, अराव साहब जी ने भी इशारा दिया, क्योंकि आजकल हमारे अंपायर से ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, प्रचार और प्रसार माध्यम का युग है, लेकिन कह दिया तो बल्ले लेके हमारे मामा जी जा रहे हैं, तो शायद इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचाए 27 के घर में। टेनिस क्रिकेट डॉट इन इनके माध्यम से आप यूट्यूब के ऊपर जरूर इस प्रीमियर लीग का आनंद ले सकते हैं। आनंददायी प्रीमियर लीग, तमाम दर्शक बैठे हुए, जब अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं जयंदत का वध करूंगा तो उसे गवाह नारायण था, और हमारे पालक मंत्री प्रीमियर लीग वांगली 2020 के लिए विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है। और जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो वांगनी क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष सम्माननीय मनोज कड़ो साहब, इनका आगमन हो चुका मंच के ऊपर, उनका हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। ये बिल्कुल थोड़ी सी नीचे रह गई गेम, प्रयास किया था जोर से घुमाने का, लेकिन गेंद जब नीचे रहने के बाद देखिए संपर्क इतना खासा नहीं हुआ, मिल गई एक रन, और एक रन के साथ स्कोर जा चुका है 28 के घर में। एक साइड से इस बार देखा जितेंद्र सेंडे और सागर इरमाली, ये बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बड़ा योगदान दे रहे, लेकिन जो तीसरे गेंदबाज है अमोल चौहान, इनके ऊपर एक छक्का लगा। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए मिड विकेट के ऊपर, बढ़िया इस बार देखा, वो शॉट, इस बार तो शायद देखा पीपी रेंजर्स से टीम का ये जॉइंट, इस बार देखा जाए शानदार मिड विकेट के ऊपर कैच। फील्डर कोई इंजर्ड हुआ नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं है ना, ओके नहीं, उन्होंने इशारा दिया है कि कुछ तकलीफ नहीं है। डाई लगाकर लगभग कैच लिया उन्होंने, ऐसे इस बार देखा जाए हम पॉइंट के क्षेत्र में हमारे जॉन टेरोस साहब ऐसे कैचेस पकड़ लेते थे, और वो दक्षिण अफ्रीका टीम के गोल कीपर ही थे दोस्तों, हमारे युवराज सिंह हो जाए, हमारे मोहम्मद कप, मोहम्मद कैट, हमारे मोहम्मद अजरुद्दीन साहब, ये फील्डिंग के क्षेत्र में भी हमारे शायद हिंदुस्तान के जॉन थे। विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाज मैदान से वापस गए। अनिल ए कौन है तो? भगवान कौन है तो? अनिल है ना? अनिल है ना? तो गेंदबाजी की जो बाउंडर संभालने के लिए आए हैं वो अनिल, हाँ कैच कैच आपके कैच अनिल पावेर ने पकड़ लिया, सुंदर कैच। और एक बार फिर से इस बार जोर से मार दिया, सामने गेंद जा रही है, लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी का एफर्ट देखिए, बढ़िया एफर्ट, बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया कवि शिंदे जी ने, और इस एक रन के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 29 के घर में। नए बल्लेबाज शायद कल्पेश शाउन के पहुंचे में हम खड़ा हूं, कल्पेश कराओ खुद के लिए पहली गेम खेलने जा रहे, यस कल्पेश शाउन के कराओ गांव के शायद ये खिलाड़ी है, और ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने टर्न लिया, चक मार दिया मिड विकेट के ऊपर, खेलने का पवित्र गेंद, बल्ले का कोई संपर्क नहीं, इसी के साथ देखा जाए तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है, और तीन ओवर के समाप्ति के बाद एकता 11 टीम का स्कोर है 29 एक विकेट के नुकसान पे, आने वाले 12 गेंदे शेष है, और टीम को मेरे हिसाब से अभी तक 38 रन की जरूरत है ऐसा लग रहा है। खेलेगा खेल उसे याद आएगा दुछटी का।
धन्यवाद इस बार एकता इलेवन के हमारे जो पैकर्स है वो सम्माननीय वकील खान मिजाज वकील खान साहब इनका आगमन हो चुका बेंच के ऊपर, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। जीतने के लिए 12 गेंद शेष 38 रन की जरूरत है। पालक मंत्री प्रीमियर लीग वांगनी में किया हुआ ये चौथा साल और काफी जबरदस्ती आए जो मेजन 12 गेंदों में जीतने के लिए 38 रन चाहिए या 38 रनों का पीछा करना है इस मैदान के ऊपर तो बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। नतीजा इस बार देखा जाए पीपी रेंजर्स के जो गेंदबाज कौन होंगे वो गेंदबाजी करने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल मुझे लग रहा है अपने मालिक इस टीम के अंदर गए हैं तो आपका जो कुछ उनका मास्टरमाइंड चाहिए तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं क्योंकि सलाह चाहिए, सलाह के बिना कहानी अधूरी। तो इस बीच हमारे सम्माननीय हरिचंद्र मस्कर साहब इनका हमारे मंच के ऊपर आगमन हो चुका है, उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। 12 गेंदों में जीतने के लिए 38 रन चाहिए लेकिन स्ट्राइक के ऊपर इस बार बल्लेबाज आ चुके जितेंद्र सेल के एक साइड से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। बिल्कुल जो अभी शायद गेंदबाजी करने के लिए मुझे लग रहा है कवि सेंडे आए हैं, उनका गांव घरों ले और उस टीम के अंदर शायद ये स्ट्राइक एंड बल्लेबाज भी खेल रहे सेंडे। इस बार देखा जाए शायद स्पेल अंपायर के बगल से भाग गई जब गेंद बिजली की गति से चली गई निकल गई और देकर गई चार। जो मास्टर स्कोर जाता है 33 के घर में, एक साइड से जितेंद्र सेंडे बिल्कुल लय में आए हुए और एक बार फिर से बोल लेकिन रास्ते में फील्डर खड़ा है डिप्स के लेग के ऊपर भगवान जी ने कैच लिया और विकेट नंबर दूसरा जिस विकेट की तलाश थी बड़ी मछली जाल में फंस गई। बिल्कुल महेश केड़ वो बल्लेबाज मैदान के ऊपर गए, गए साल के सिक्सर किंग का आगमन हो चुका है। अब शायद देखा जाए बल्लेबाज जितेंद्र सेंडे मैदान से वापस आ चुके, अपनी टीम के लिए उन्होंने योगदान दिया है। 29 रनों की बहुमूल्य पारी समाप्त हो चुकी है लेकिन अब शायद इस टीम को जीत हासिल करना है तो एकता इलेवन के बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ जोर दिखाना है, जलवा दिखाना है। शायद अभी तक लगभग देखा जाए टीम को जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए 34 रन की जरूरत है, 34 रन चाहिए। इस बार क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया है तब तक के लिए गेंद पहले खिलाड़ी गेंद को बिठाने जा रहे हैं, सिंगल मिली और सिंगल के साथ देखा जाए शायद टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर 34 के घर में। 34 जब यह आंकड़ा आता तो याद आती है हमारे भारत के भूतपूर्व कप्तान लीडर मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी, इनके 34 शतकों की जिन्होंने हिंदुस्तान देश के लिए और हिंदुस्तान शायद दर्शकों के लिए बड़ा योगदान दिया है। उस जमाने के हमारे शहनशाह थे, शायद आज कमेंट्री की जिम्मेदारी गावस्कर साहब निभा रहे पूरी अच्छी तरह से दोस्तों, इसलिए वेस्ट इंडीज ने उस जमाने में कह दिया था कि अकेला गावस्कर हमें दो क्योंकि फैक्ट्रियों के सामने बिना हेलमेट से मेरे साहब जी ने जो कुछ कारनामा दिखाया वो इतिहास के पन्नों में लिखने वाला कारनामा है। और एक बार फिर से ये देखिए दायरे के अंदर मिडोप को लाया क्या और मिडोप फील्डर ने शानदार कैच लिया, विकेट नंबर इस बार देखा जाए तीसरा ड्रेसिंग रूम में वापस जा रहे बल्लेबाज शायद यहां
कल पे शालून के चले बैक टू द डगआउट। और जिनसे काफी उम्मीद थी वो बल्लेबाज ने गए साल काफी शानदार कारनामा किया था। महेश केवल मैदान से वापस आ गए कल्पेश, तुम आपके जो कल्पेश शायद बल्लेबाज वापस आ चुके। और नए बल्लेबाज पहुंचे विलास खाड़े, मनपामा खाड़े चपाड़ा। जीतने के लिए अभी तक 33 रन की जरूरत है, तीसरा ओवर जारी है, कई गेंदें बची हुई है और शानदार तरीके से लगभग देखा जाए शायद जो गेंदबाजी कभी संडे इनकी चल रही है, पूरी तरह से लोग उपस्थित है मैच का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है, मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने आ रहे हैं, सरपड़ी शॉट था, तब तक के लिए बढ़िया थ्रो आया और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 33 के घर में 35। लासा बा 3 विकेट के नुकसान पे एकता 11 टीम का स्कोर है। जीतने के लिए पीजी रेंजर्स टीम ने 67 रनों का टारगेट रखा है, तो शायद बची हुई मुझे लग रहा है कि इस ओवर की ये अंतिम गेंद शेष। स्कोर हो चुका है इस बार 35 के घर में 35, जीतने के लिए 32 रन की दरकार है आने वाले 7 गेंदों में। 7 गेंदों में 32 रन इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने पास हुनर बताइए, अपने पास जोखिम भरे शॉट चाहिए और खेलने की हिम्मत भी चाहिए। और एक बार फिर से सरपड़ी शॉट ड्राइव किया है, जब तक गेंद को उठाने जा रहे इस बार देखा जाए शायद ये मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे, तब तक के लिए सिंगल मिली और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन बन चुके शायद 36, 3 विकेट के नुकसान पे आने वाले 6 गेंदे शेष और टीम को जीतने के लिए मेरे हिसाब से 31 रन की जरूरत है। क्या 31 रन इकट्ठा करने में एकता 11 के बल्लेबाज कामयाब हो जाएंगे या गेंदबाज इस बार देखा जाए पीपी जो रेवेंजर्स हमारी टीम है वो कुछ अच्छी सफलता हासिल करेंगे, लेकिन इस बीच देखा जाए बिल्कुल हमारे शायद जो मालिक है प्रभाजी परब साहब इस बार देखा जाए कुछ कानों में मंत्र देने के लिए गए हैं। के सभी खिलाड़ियों को सूचना की आप हमारे इस बार थोड़े से मंच के सामने आइए। 6 गेंदे शेष, टीम को जीतने के लिए 31 रन चाहिए, बड़ी टक्कर है। बिल्कुल गए साल इसी मैदान के ऊपर प्रीमियर लीग के लिए शायद जो हमारे इस बार देखा जाए महेश केन बल्लेबाज है, इन्होंने 6 छक्के लगा दिया था, लेकिन साल अलग था दोस्तों, अब साल अलग है। 6 गेंदों में जीतने के लिए 31 रन चाहिए, लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए अनिल पाविर आए हैं पिंपोली के, एक शायद देखा जाए स्लिप पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात कर दिया है। 31 रन चाहिए, बड़े शॉट की जरूरत है, बड़े हिट की जरूरत है। और ये लौट के आए इस बार देखा जाए, इस बार ये ब्लैक छक्का मैदान से बाहर, शुरुआत अब हो गई है डन के बाद। ठगो गोदावरी
और इसी बीच देखा जाए महेश जी इनके बल्ले से ये बम वाला मैदान से बाहर गया है और एक बार फिर से लौट के आए दूसरा छक्का देखिए अब बल्लेबाज की गाड़ी तारा रम पम पम बिल्कुल फरारी ले में आई है क्रिकेट टूर्नामेंट वांगी गावची शान बीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट वांगी गावची शान राजेंद्र शेलार संपत देशमुख देती सर्वांना मान पालक मंत्री प्रीमियर लीगचे जमलग सर्वजण पालक मंत्री प्रीमियर लीगचे जमलग सर्वजण स्वप्नी शेलवले बिरेंद्र जगरी त्याची नवी सिद्धांत इस बार शायद वकील खान साहब जो है उनके तरफ से 21,000 रुपए का इनाम आया है। अगर ये शायद मुझे लग रहा है कि जो बल्लेबाज है वो 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के मार सकता है तो ये कैपेसिटी महेश कौले के पास है। उन्होंने 2 गेंदों के ऊपर आक्रमण किया और स्कोर पहुंचा है 48 के घर में। 4 गेंदे शेष है और टीम को जीतने के लिए रन चाहिए मेरे हिसाब से 19 रन की दरकार है। अभी तक मुझे लग रहा है कि गेंदबाजों को शायद अनिल पायल जी को कुछ करिश्मा करना पड़ेगा क्योंकि वहां बल्लेबाज आक्रामक मूड में आए। और ये देखिए इस बार देखा जाए अखिल बुबेरेंस का आगमन हुआ है। सम्मानीय हमारे अखिल बुबेरे इनका आगमन मंच के ऊपर हो चुका है तो उनका मैं वापस से तहदील से स्वागत कर रहे। 3 गेंदे शेष है और टीम को जीतने के लिए 19 रन चाहिए। याद करो कॉर्नर्स बैक टू द की पारी और बैक टू द बॉलर गेंद आई है संपर्क नहीं हो चुका है खासा और इस बार देखा जाए 2 गेंदे बची हुई है और 2 गेंदों में जीतने के लिए एकता 11 टीम को 19 रन चाहिए। जब दो गेंदों के ऊपर दो बड़े शॉट आए थे तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये बल्लेबाज विजय हासिल करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे लेकिन जो 2 गेंदे डॉट गई वहां से लगभग देखा जाए शायद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शायद टीम का टूटा हुआ है। 2 गेंदों में 19 आना मुश्किल है। महेश केव ने इस बार देखी है मिड विकेट के कंट्री के ऊपर से गेंद हवाई यात्रा पे बिना टिकट निकल के बाय बाय। छक्के के साथ स्कोर गया 54 के घर में। अंतिम गेंद के ऊपर जीतने के लिए 13 रन चाहिए। अंतिम गेम मैच में मुझे लग रहा है कि ऐसी लग रही कि औपचारिकता हो सकती है लेकिन हम कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहे। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है कुछ भी हो सकता है लेकिन अंतिम गेम शेष है। महेश कौले 3 छक्के लगा दिया अपनी टीम के लिए खुद के लिए लेकिन जो 2 गेंदें डॉट गई वहां शायद मुझे लग रहा है प्रेशर आया बल्लेबाजों के ऊपर। उन्होंने 5वीं गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया। टीम का स्कोर 54 के घर में। अंतिम गेंद शेष जीतने के लिए 13 रन चाहिए। थोड़ा सा कठिन है मुश्किल है मुझे लग रहा है। और ये गेंद शायद व्हाइट का इशारा आया है। अराव साहब पीछे मुड़ हो चुके अपने दोनों पंखों उन्होंने खोल दिया और इशारा दिया कि व्हाइट का जिसके लिए कंपायर हमारे मुख्य भूमिका में हमारे सर सेनापति कल्याणी घोरपड़े साहब मैडम ठाणे और शेषी सदम साहब ठाणे। इस बार देखा जाए शायद इस मैच को शायद 12 रन से इस मैच को जीता हुआ है लगभग देखा जाए। बड़ी इस बार देखा कोशिश की थी लेकिन 3 गेंदों ने शायद देखा जाए उस कोशिश को असफल कर दिया और ये मैच पीपी रेंजर्स टीम ने जीता परास्त कर दिया एकता 11 टीम को। मुझे लग रहा है कि शायद ये पीपी रेवेंजर्स जो टीम है लगातार उन्होंने 3री जीत हासिल की है। दोस्तों जबरदस्त लगभग देखा जाए शानदार तरीके से अपनी टीम के लिए योगदान दी थी काम करने गए थे इस बार देखा जाए बल्लेबाज लेकिन अंत में देखा जाए गेंदबाजों की 3 गेंदे शायद पीपी रेवेंजर्स टीम के लिए
घातक बन चुके और वहां से लगभग देखा जाए वहां परास्त होना पड़ा। होता है क्रिकेट में दोस्तों, हर जीत क्रिकेट के दो पहलू है। जीतने वाली टीम सिकंदर है, हारने वाली भी टीम सिकंदर है, लेकिन आज पलड़ा सामने वाली टीम का भारी है। वेल प्लेड। धन्यवाद विजय मास्टर। तो एक बार फिर से मेहमानों का स्वागत करना और अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है। आइए हमारी मराठी की मिठास वाणी हमारे बड़े भाई और भोपर गांव के सुपुत्र दोस्तों, जिनके वाणी के ऊपर पूरा दबदबा हो चुका है। रतनबुआ ट्रॉफी में लगभग देखा जाए दादा ने तीसरा साल दबदबा निर्माण किया। मुझे कह दिया था अमित मुझे चांस मिले ना मिले, लेकिन काम हुआ, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज दादा होता। आइए माइक्रोफोन के ऊपर अमित सर, वळूया आपण सत्कार समारंभाकडे। हरिश्चंद्र मस्कर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण सन्मान घेऊया। आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी दीपक दादांना विनंती करेन, आपल्या शुभहस्ते आपण सन्मान करायचा। हरिश्चंद्र मस्कर, केतन शहा यांच्या शुभहस्ते सन्मान करायचा आहे। रुपेश गवळे आणि केतन शहा आपण यायचं आहे, आपल्या शुभहस्ते आपण सन्मान करायचं आहे। तर पिंटू मसे बॅट घेऊन या, तर सन्मान अधिकारी हरिश्चंद्र मस्कर यांचा होताना दिसेल तुम्हाला स्क्रीन वरती। तर केतन शाह यांच्या शुभ हस्ते सन्मान होतोय। त्यानंतर अखिल बुबेरे, अखिल बुबेरे यांना विनंती करणं, मॅन फ्रॉम गोरेगाव। अखिल बुबेरे जे क्रिकेटवर त्यांचा निस्सीम प्रेम आहे आणि गोरेगाव। अतुल शेलार यांना देखील विनंती करणं, आपण देखील सन्मान स्वीकारायचा। अतुल दादा शेलार आपण या, आपला सन्मान या ठिकाणी रुपेश गवळे त्याचबरोबर केतन शाह यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी केला जाईल। तर राजा बाबा कडू, राजा बाबा कडू यांना विनंती करणं, आपण देखील या, आपला देखील सन्मान या मंचावरती केला जाईल। तर राजा बाबू कडू हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय, तो म्हणजे दरम्यान रवी मसने यांचा संघ। तर फास्ट स्टार्ट बॉक्स या ठिकाणी नक्कीच रत्ता मामा यांच्या हातामध्ये। त्यानंतर अमन बुबेरे, अमन बुबेरे यांना विनंती करणं, अफान अफान बुबेरे यांना विनंती करणं, आपण या, आपला देखील सन्मान या मंचावरती केला जाईल। तर दीपक दादा यांना विनंती करेन, योगेश राऊत यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जाईल। अफान अफान बुबेरे, बोबेरे म्हटलं की गोरेगाव, आणि गोरेगाव म्हटलं की जीपीएल, आणि गोरेगाव म्हटलं की नाईट स्पर्धा, आणि गोरेगाव म्हटलं की दर्जेदार क्रिकेट, क्रिकेटचे दर्दी या गोरेगाव मध्ये आहेत, आणि या गोरेगावचे अनेक खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतायत, आणि त्याचबरोबर या मंचावरती अनेक मान्यवर गोरेगाव मधून या ठिकाणी आलेले आहेत। त्या सर्वांचं स्वागत करतो आणि घेऊन चलतो मैदानाच्या दिशेने। सामना सुरू होतो हिट अँड व्ही टायगर्स वर्सेस एसकेएम वॉरियर्स। त्याआधी मॅन ऑफ द मॅच अमोल चव्हाण, ज्याने 35 धावांची खेळी साकारली 16 चेंडू मध्ये आणि गोलंदाजी करत असताना 2 गडी बाद केले। अमोल चव्हाण यायचं मॅन ऑफ द मॅच। तर नागेश बोराडे क्रिशा इलेव्हन बदलापूर संघाचे संघनायक, आपण मंचावरती या, आपापा आपल्याला या ठिकाणी नक्कीच आपापल्याशी संपर्क साधतायत। तर अमोल चव्हाण आपण यायचं मॅन ऑफ द मॅच। 35 धावांची एक विस्फोट खेळ साकारली आणि 2 गडी बाद केले। तर दीपक चव्हाण जाऊया मॅचच्या दिशेने। सामना सुरू होतो, टॉस जिंकलेला आहे।
तर मुरबाडचे भूषण कंठ जे आयकॉन प्लेअर आहेत आपण मंचाशी संपर्क साधा. निखिल शेलवले नक्कीच आपल्याला शोधत आहेत. भूषण कंठे मॅन फ्रॉम मुरबाड, आपण कुठे असाल आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत येत असेल तर आपण निखिल शेलवले जे मंचावर उपस्थित आहेत त्यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आहे. एसकेम वॉरियर संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे तर बघा आयोजकांच्या सूचना येतात. 25 मिनिटात जर तुम्ही 5 षटक कंप्लीट केली नाही तर पॅनल्टीला तुम्हाला सामोरे जावं लागेल.